हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है तुरतुरिया धाम सीरीज का सेकंड पार्ट। और पहले पार्ट में हमने वाल्मीकि आश्रम, तपोभूमि, लव कुश, जन्म स्थल देखा, और आगे इस वीडियो में संतान दात्री माता के नाम से प्रसिद्ध माँ के दर्शन करेंगे। पुष माह में यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो चलिए चलते हैं माता के मंदिर की ओर। ये लगभग 270 सीढ़ियां हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पहले मंदिर तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल था, पर अब अच्छी सीढ़ियों के कारण यहाँ पहुंचना आसान हो चुका है। अब सीढ़ी चढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ के लोकल्स बताए कि 270 सीढ़ी है यहाँ पे टोटल मंदिर में पहुंचने के लिए, और सीढ़ी चढ़ना शुरू कर चुके हैं। एक सांस में चढ़ूं? मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से लेना है। मुंह से यदि लोगे ना तो जल्दी थक जाओगे। शुरुआत है। कैसे चढ़ते बताओ ना, इसका एक कारण है। यह मन में मानना है कि कोई सीढ़ी नहीं है। मन में मानना है सीढ़ी नहीं है। हाँ, तो स्टोरी बताते हैं। दिखाएं भाऊजी, दिखाएं। महाराणा प्रताप जो थे ना, अपने सैनिक लोग के साथ जा रहे थे, समझे। तो जाते गए जाते गए, एक समय नदी आया और एक समय एक जो चट्टान आया बहुत बड़ा, समझे। सब सैनिक रुक गए, सब पस्त हुए कि हजारों किलोमीटर चलते आ रहे हैं, अभी अपना पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, बोल के। महाराणा प्रताप एक ही बात बोला, क्यों रुक गए, बोले। सब बोले महाराज पहाड़, बोल गए। महाराणा प्रताप बोला कहाँ है पहाड़, बोल गए। कहाँ है पहाड़ जैसे बोलना, फिर सब चल पड़े। ऐसे मानना ही कहाँ है सीढ़ी, नहीं मान सकते बाबा, मान सकते। छत्तीसगढ़ का ये वही इलाका है जहाँ भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि इसी घटना के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का रिश्ता बड़े आदर पूर्वक निभाया जाता है, क्योंकि माता कौशल्या के बेटे श्री राम की वह छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि पूरे भारत के भगवान स्वरूप है। माता गढ़ के संतान दात्री माँ से आप पूरी श्रद्धा भाव से जो भी मांगेंगे वो जरूर पूर्ण होगा। जो भी श्रद्धालु संतान सुख की इच्छा से माँ के दरबार में आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। कोई बीमार व्यक्ति अगर बहुत सारे इलाज के बाद भी ठीक ना हो रहा हो, वो यहाँ आके ठीक हो जाता है। जिन्हें नौकरी की परेशानी होती है, उनकी भी समस्या यहाँ आके खत्म हो जाती है। नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, फैली उजियारी, दुर्गे मां जय श्री राम।
की ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल और प्रकुटी विकराला। सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्न पूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं वापस, अभी नेक्स्ट अपन खाना खाएंगे। अभी फिर से वापस सीढ़ी उतरना है, उतर रहे हैं धीरे धीरे सभी। उतरते समय उतना नहीं लगता, चढ़ते समय ज़्यादा थकान लगता है। ये बलमदेही नदी है दोस्तों, इसको ही क्रॉस करके आप माता के मंदिर तक पहुंचेंगे
और ये वापसी में आप देख सकते हैं ये गांव वाले थे, शायद पिकनिक मनाने आए थे, अपने गाड़ी को इन्होंने नदी से क्रॉस करवा दिया था और अब जाते वक्त गाड़ी फिर फंस गई थी। ऐसे बहुत सारे गाड़ियां थी जिन्होंने अपने क्रॉस करवा दिए थे नदी को और जाते वक्त उनकी गाड़ी पूरी फंस रही थी और ये बाइक वाले भी थे कुछ। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने पिकनिक के लिए जगह ढूंढना शुरू किया और सभी जगह बस लोग ही लोग थे, जगह तो मिल ही नहीं रही थी। फिर फाइनली हम लोगों को एक जगह मिला और हम लोगों ने जल्दी से प्लेटें लगानी शुरू कर दी थी। और पिकनिक के लिए हम लोगों ने वेज बिरयानी बनाई थी और गोभी की सब्जी बनाई थी, ये पूड़ियाँ बनाई थी, टमाटर की चटनी भी बनाई थी और बड़ा बनाया था। आसपास बहुत सारे बंदर भी थे जो खाना देख के पास आ जा रहे थे और परेशान भी कर रहे थे, खाना झपड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के ये बंदर खा रहा था बचे खुचे जिन्होंने फेंका हुआ था उसको। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी, जिसको पार करके हम तुरतुरिया पहुँचे थे और अब वापस क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।